अंटार्कटिका दुनिया के सिरे पर मौजूद एक अकेला सफेद कॉन्टिनेंट, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसे आज के वक्त कोई भी देश कंट्रोल नहीं करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, इसलिए या इसके पीछे कोई और वजह है? दोस्तों, लगभग 90 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका एक हरा भरा रेन फॉरेस्ट हुआ करता था, जहाँ सभी तरह के जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते थे। लेकिन आइस एज के बाद सब कुछ बदल गया और ये सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट बन गया। आज के वक्त अंटार्कटिका का एवरेज टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस है और विंटर सीजन में तो तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। यहाँ बर्फ के ऐसे तूफान आते हैं जो आपको अंधा कर दें। ये 18th सेंचुरी की ही बात है जब लोगों को पता चला था कि अर्थ के साउथ में भी कोई लैंड है। कई एक्सप्लोरर्स तो ऐसे हैं जो अंटार्कटिका को ढूंढने के लिए गए तो लेकिन वो वापस लौटे ही नहीं। कुछ अंटार्कटिका पहुंच नहीं सके और जब पहुंचे उन्होंने वहां के हार्श वेदर की वजह से वहीं दम तोड़ दिया। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का एक अकलौता कॉन्टिनेंट है जहां एक भी नदी नहीं है, लेकिन वहां कई सारे लेक्स मौजूद हैं बर्फ के नीचे। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि इस ठंडे कॉन्टिनेंट में ज्वालामुखी भी है, लेकिन सिर्फ वोल्केनो भी नहीं है जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। साल 2016 में जब एक सैटेलाइट अंटार्कटिका के ऊपर से गुजर रहा था तब उसने एक पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को कैप्चर किया और हैरानी की बात ये थी कि इस स्ट्रक्चर का बेस एक परफेक्ट स्क्वायर शेप का था जिसके चारों साइड 2-2 किलोमीटर के थे, जिसका मतलब ये था कि ये किसी भी तरह से नेचुरल नहीं है। दोस्तों, के सच में अंटार्कटिका में पहले कोई सिविलाइजेशन रहा करती थी, और अगर नहीं तो ये पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर किसने बनाए? दोस्तों, क्या है अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे? क्या यहाँ सच में एलियंस रहते हैं? क्या अंटार्कटिका के नीचे किसी कंट्री का सीक्रेट बेस है? क्या है अंटार्कटिका का पूरा रहस्य? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Antarctica, it's the least explored, least understood continent on Earth, home to the driest place on Earth. But in spite of the worst conditions on Earth, barely anything can survive here. Why wouldn't we learn about how this volcano works to other volcanoes elsewhere in the world? Because quite a lot of people live near volcanic centers, so if they erupt, they can just wipe out the surrounding area. दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 350 BC में, जब एरिस्टोटल ने यह ऐलान किया था कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है। उस वक्त ग्रीक्स मानते थे कि जैसे पृथ्वी के नॉर्थ में लैंड है, वैसे ही साउथ में यानी आर्कटिक में भी कोई ना कोई जमीन जरूर होगी। ग्रीक्स आर्कटिक को आर्कटोस करके पुकारते थे। दोस्तों, आर्कटोस का मतलब होता है भालू। ये वर्ड आया था द ग्रेट पीरियड कॉन्स्टेलेशन से। हमें आसमान में जो भी कॉन्स्टेलेशन दिखते हैं उन 88 कॉन्स्टेलेशन में से एक द ग्रेट पीरियड कॉन्स्टेलेशन भी दिखता है, और क्योंकि ग्रीक्स आर्कटिक को आर्कटोस करके पुकारते थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि साउथ में जो भी जमीन है हम उसे अंटार्कटोस करके पुकारेंगे। अंटार्कटोस का मतलब है बियर का अपोजिट यानी उल्टा, और इसी से साउदर्न लैंड का नाम पड़ा अंटार्कटिका। साल 1890 की ही बात है जब पहली बार किसी इंसान ने अंटार्कटिका पर कदम रखा। लेकिन 1890 से सैकड़ों साल पहले अंटार्कटिका को उन मैप्स में स्पॉट किया गया जो सेलर्स और एक्सप्लोरर्स इस्तेमाल करते थे। साल 1530 में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर ने अर्थ का एक नक्शा बनाया जिसमें उसने अंटार्कटिका को भी ड्रॉ किया और इसे नाम दिया टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा, जिसका मतलब है साउथ में मौजूद एक अननोन लैंड। इसे करीब 200 साल के बाद साल 1772 से साल 1775 तक कैप्टन जेम्स कुक अपनी दूसरी यात्रा के दौरान आर्कटिक सर्कल में 3 साल बिताते हैं और ये पहले इंसान बन जाते हैं अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में जाने वाले। वो साउथ में गए तो थे लेकिन वो अंटार्कटिका पर कदम नहीं रख पाए। उन्होंने अपना जहाज अंटार्कटिका से 80 मील यानी 130 किलोमीटर पहले ही घुमा लिया था। जेम्स कुक की इस जर्नी ने कई एक्सप्लोरर्स को इंस्पायर किया, लेकिन कोई भी टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा को ढूंढ नहीं पाया। कैप्टन जेम्स कुक ने उस वक्त कहा था कि द रिस्क वन ऑफ रन इन एक्सप्लोरिंग अ कोस्ट इन दिस अननोन आइसी सीज इज सो वेरी ग्रेट दैट आई कैन बी बोल्ड टू से दैट नो मैन विल बी एवर वेंचर फार्दर देन आई हैव डन एंड दैट द लैंड व्हिच मे लाई टू द साउथ विल नेवर बी एक्सप्लोर्ड। मतलब इस अनजान और बर्फीले समुद्र में एक तट की खोज में इतना जोखिम है कि मैं दावे के साथ की कह सकता हूँ कि कोई भी इंसान कभी भी मुझसे ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा और साउथ में जो भी जमीन है वो कभी भी एक्सप्लोर नहीं हो पाएगी। कुछ सालों तक सबको लगा कि कैप्टन जेम्स कुक की बात सही है, क्योंकि कोई भी अंटार्कटिका को ढूंढने में सफल नहीं हो पाया और धीरे धीरे टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा की खोज में सेलर्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया और इसकी खोज को नामुमकिन मान लिया गया। लेकिन जब लोगों को अंटार्कटिका के ठंडे पानी में रहने वाले सील्स का पता चला तो उन्होंने सोचा कि हम सील्स के खाल को बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसके बाद अंटार्कटिका की खोज फिर से शुरू हो गई। साल 1819 में रशियन गवर्नमेंट ने फैबियन वॉन बेलिंगहॉसन को जेम्स कुक से ज्यादा आगे जाने का काम सौंपा, जिसके बाद 27 जनवरी 1820 के दिन फैबियन वॉन ने दावा किया कि उन्होंने एक सॉलिड आइस को देखा जो पॉसिबली अंटार्कटिका से अटैच एक आइस शेल्फ था, जिसे आज क्वीन मॉन लैंड के नाम से जाना जाता है। आइस शेल्फ देखने के 3 दिन बाद ब्रिटिश नोवल ऑफिसर एडवर्ड ब्रांसफील्ड ने भी दावा किया कि उन्होंने अंटार्कटिक पेनिनसुला के सिरे को देखा। हिस्टोरियन डेविस डे लिखते हैं कि हालांकि फैबियन वॉन बेलिंगहॉसन टेक्निकली पहले इंसान
थे अंटार्कटिका को देखने वाले, लेकिन आज के वक्त कई हिस्टोरियंस इस बात को नहीं मानते। दोस्तों, ब्रिटेन में जन्मे जॉन डेविस, जो एक अमेरिकन सेलर और सील हंटर थे, उन्हें भी अंटार्कटिका पर सबसे पहले कदम रखने वाले लोगों के लिस्ट में नाम दिया गया है। जॉन डेविस का कहना था कि 7 फरवरी 1821 को उनका जहाज, जिसका नाम सिसिलिया था, वो रास्ता भटक गया और उन्हें अंटार्कटिका के तट पर ले आया। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि ये सच है या झूठ। साल 1821 के बाद अगले 74 सालों तक अंटार्कटिका पर कोई भी अनडिस्प्यूटेड लैंडिंग नहीं हुई। इसके बाद साल 1895 में नॉर्वेजियन सेलर्स का एक ग्रुप से भरा एक जहाज, जिसका नाम ही अंटार्कटिक था, वो अंटार्कटिका के किनारे पर पहुंचा। लगभग 6-7 लोग एक छोटे से बोट में बैठकर अंटार्कटिका के किनारे पर गए। इस बोट में एक नॉर्वेजियन शख्स बैठे थे जिनका नाम था कार्स्टन ब्रॉन्च ग्रेविंग, और इनका कहना था कि ये पहले इंसान थे अंटार्कटिका पर कदम रखने वाले। सबसे पहले यही बोट से उतरे थे, लेकिन उसी बोट में बैठे न्यूजीलैंड के अलेक्जेंडर वॉन का कहना है कि नहीं, वो पहले इंसान थे अंटार्कटिका के जमीन पर पैर रखने वाले। दोस्तों, इसी की तरह कई लोगों ने ये दावा किया है कि वो पहले इंसान थे अंटार्कटिका को ढूंढने वाले या अंटार्कटिका की जमीन पर कदम रखने वाले। लेकिन क्या सच है, किसने सबसे पहले अंटार्कटिका को देखा या किसने इसकी जमीन पर सबसे पहले कदम रखा, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अंटार्कटिका एक अकलौता कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। इस पूरे कॉन्टिनेंट को कोई भी देश कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसा करने की कोशिश नहीं की। साल 1908 से साल 1948 तक टोटल 7 कंट्रीज ने अपनी सोवरनिटी क्लेम की अंटार्कटिका के जमीन पर। ये देश थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जर्मन्स ने अपनी अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन की शुरुआत की, और 1939 में जर्मनी अंटार्कटिका में जमीन को क्लेम करने के लिए आसमान से प्लेन के जरिए मेटल नाजी स्वास्तिका ड्रॉप करता था। जर्मनी का कहना था कि जहां हमने नाजी स्वास्तिका ड्रॉप किए हैं, वो जमीन हमारी है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू के बाद हर देश अंटार्कटिका में अपना हिस्सा पाने की रेस में शामिल हो गया। इस वक्त के दौरान ये देश अपने परमानेंट रिसर्च स्टेशन को सेटअप करने लगे अंटार्कटिका में, ताकि ये क्लेम कर सकें कि ये जमीन हमारी है। तो इस मैप को देखिए, ये मैप बताता है कि कौन सा देश किस एरिया को क्लेम करता है। नॉर्वे इस पर्पल वाले एरिया को क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस पूरे येलो वाले एरिया को क्लेम करता है, फ्रांस इस ब्लू एरिया को क्लेम करता है, न्यूजीलैंड ब्लैक, चिली डार्क ग्रीन, अर्जेंटीना ग्रीन और यूनाइटेड किंगडम इस रेड एरिया पर अपना क्लेम जमाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फ्रांस और न्यूजीलैंड जिन एरिया पर अपना क्लेम जमाता है, वो एरिया बिल्कुल क्लीन है। कोई भी इंसान इसे देखकर बता सकता है कि किस एरिया को कौन सा देश क्लेम करता है। लेकिन अगर आप चिली, अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के क्लेम किए गए एरिया को देखेंगे, तो पता चलेगा कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। चिली कहता है कि ये डार्क ग्रीन वाला एरिया हमारा है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम कहता है कि नहीं, तुम्हारा एरिया का ये हिस्सा हमारा है। और वहीं अर्जेंटीना कहता है कि नहीं, तुम दोनों के एरिया का ये हिस्सा हमारा है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं उस पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, साल 2016 में अंटार्कटिका के ऊपर से गुजरते वक्त एक सैटेलाइट ने एक पिक्चर क्लिक किया। इस पिक्चर में पिरामिड जैसा एक माउंटेन दिखाई दे रहा था। उस वक्त ये फोटो बहुत वायरल हुआ। इस फोटो के वायरल होने के बाद बहुत से लोग ये दावा करने लगे कि ये एक पुराने सभ्यता के होने का सबूत है। कई लोग तो इसे इजिप्ट के पिरामिड से भी जोड़ने लगे, वो इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल पिरामिड जैसा ही दिख रहा था। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये किसी भी तरह से नेचुरल नहीं है, ये किसी पुराने सिविलाइजेशन की ओर इशारा करता है। दोस्तों, अगर हम ये मान लें कि ये स्ट्रक्चर किसी पुराने सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, तो वो कौन सी सिविलाइजेशन थी जिसने इतने हार्श टेम्परेचर में इतने बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा किया? और अगर कोई सभ्यता इतनी ठंड में अंटार्कटिका पर सर्वाइव भी करती थी, तो वो यहाँ से गायब कैसे हो गई? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ सच में कोई सिविलाइजेशन रहा करती थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको जानना है कि कैसे ये कंपनी पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। जय हिंद।